से देखा जा रहा जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व। आपको ये भी बताते चलें कि सीएम रघुवर दास जब पीछे चल रहे हैं तो ये वो सीट है जहां से सरयू राय आगे चल रहे हैं। सरयू राय उनके लिए चुनौती पेश करते हुए हमेशा से मीडिया के सामने जब भी आए तो उन्होंने ये कहा कि देखिए तस्वीर बदलेगी। कोडरमा से शिक्षा मंत्री नीरा यादव पीछे चल रही है, जमशेदपुर पूर्वी सीट से सीएम रघुवर दास पीछे चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के मतदाता कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन इस चुनाव में ये तमाम स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, यहां से शहरी क्षेत्र के वोटर भी कहीं ना कहीं नाखुश हुए हैं बीजेपी से, और क्या वजह रही इस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा इनका कोर वोटर इनसे क्यों बिछड़ गया, क्यों छिटक गया। कोडरमा से शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी पीछे चल रही है, जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये हालात इस वक्त झारखंड में बने हुए हैं, और अब क्या ये माना जाए कि बीजेपी इसे स्वीकार करती है कि जनता में नाखुशी थी और यही वजह है कि अगर हम पीछे भी चल रहे हैं या हमारे तमाम जो मंत्री पीछे चल रहे हैं उसके पीछे की एक बड़ी वजह। खूंटी से ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा आगे चल रहे हैं, जुगसलाई से जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहित जो है वो पीछे चल रहे हैं, विश्रामपुर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र ये देखिए ये सीट से रामचंद्र चंद्रवंशी आगे हो गए हैं, हालांकि कुछ वक्त पहले तक वो पीछे चल रहे थे। सारण से बात की जाए कृषि मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, रांची नगर विकास मंत्री सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर उभर कर इस वक्त सामने आ रही है कि अब देखिए रुझान खत्म हो चुके हैं, अब परिणाम का वक्त है और परिणामों में कौन सी सीट से कितने मार्जिन से कौन आगे चल रहा है ये बेहद खास हो जाता है। और ये तस्वीर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है विश्रामपुर सीट से, यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जो है वो आगे चल रहे हैं, और यहाँ ये परिपाटी क्या इस बार टूटेगी। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी अस्थाई नहीं होता है, यानी कि बदलाव यहाँ पर हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बदलाव झारखंड की जनता ने अगर महागठबंधन के साथ जाकर दिया है तो बीजेपी को एक बार फिर से सोचने की मंथन करने रिजल्ट की सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और सीधे रुख करेंगे हम अपने सहयोगी अलीम का, चुनाव लगभग जीत चुके हैं और ये अब भावी शब्द हट चुका है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं। अभी झारखंड से हम लोग का सीट भारी बहुमत से कम 50 सीट पार लाएंगे हम लोग, बस निश्चित रूप से। और हेमंत जी का नेतृत्व से सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनेगी यह तय है। और बिल्कुल जश्न की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ देखिए हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र जहां आप मौजूद हैं कार्यकर्ता आपके साथ पीछे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जश्न और नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है, किस तरह के माहौल फिलहाल वो तस्वीरें भी दिखाइए और रिएक्शंस भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन के आवास पर है मुख्यमंत्री का चेहरा, हेमंत सोरेन को आगे करके महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए चुनावी सभा में उतरी थी, और इसके बाद जो आज जो रुझान अभी तक आए हैं जो दिख रहा है कि किस तरह से बहुमत की ओर महागठबंधन आगे बढ़ रहा है और भाजपा को नुकसान हो रहा है उसको लेकर एक उत्साह है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं, नारे लगा रहे हैं लोग और यहाँ पे जो युवा है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और यही स्थिति जेएम के कार्यालय में है, यही स्थिति कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यालय में है, और राष्ट्रीय जनता दल जो तीनों के गठबंधन है उसके कार्यालय में इसी तरह की स्थिति है। शिबू सोरेन जिंदाबाद और हेमंत सोरेन के जिंदाबाद के नारे यहां पे लगातार लग रहे हैं, और ये जो माहौल है बिल्कुल उत्साह का माहौल यहाँ पर है। बात करते हैं, अच्छा ये बताइए कि क्या वजह है जो लग रहा है कि इस तरह से जो जनता का जनादेश मिला है आपको। देखिए 5 साल की जो ये सरकार थी जिन्होंने छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और इसी झारखंड में झारखंड की बेटी भात भात कह के मरती है, और ये करोड़ों रुपया का हाथी उड़ाते हैं, ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार थी, और उसका जो जनाक्रोश था जनता में जो उबाल थी और जनता ने इसको वोट में तब्दील करके आज महागठबंधन के पक्ष में हेमंत सोरेन के पक्ष में जो मैंडेट दिया है, जो मतदान दिया है, निश्चित तौर पर उसी का ये विरोध था, 5 साल के कुकर्मों का विरोध था। सत्ता में आते दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, युवाओं में कितना उत्साह है, क्या लगता है क्यों युवा भी हेमंत सोरेन के पीछे चलती है? युवा हेमंत सोरेन के पीछे इसलिए चल रही है क्योंकि जब से झारखंड अलग राज्य बना है वीर शिबू सोरेन की जो कल्पना थी
कि झारखंड अलग होगा, अलग होने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज हम सभी युवाओं को ये प्रतीत हो रहा है कि हमारे भैया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन के जीत के आ रहे हैं, और इसके साथ ही उपेंद्र, तो आप क्या ये माना जाए कि अब हेमंत सोरेन हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, इन लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो गई है, अब ये डायरेक्शन इन्हें मिल चुका है कि जश्न मनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब हम जीत रहे हैं, बहुमत हमारे पास आ रहा है? आश्वासन है हेमंत भैया का, मैंने हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार से झारखंड की जनता को आज आजादी मिल गई, बहुत खुशी की बात है आज, और अब से हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि ये सरकार जब से भाजपा की सरकार थी हमारी महान बेटियों को निकलना मुश्किल हो गया था बाहर, रेप की समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी और भी ना जाने कितने बेरोजगारी बढ़ गए यहाँ पे, लेकिन अब लगता है झारखंड में हमारी हेमंत भैया की सरकार आ रही है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और झारखंड के लिए एक विकास का काम। ये उत्साह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं हेमंत सोरेन आवास के आगे हैं और लगातार नारों से यहाँ पे गूंज रहा है, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, महागठबंधन जिस तरह से बहुमत लेता दिख रहा है उसको लेकर उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, लंबा इंतजार करना पड़ा इन लोगों को और अब जब मौका मिला है तो कोई चूकना नहीं चाहेगा। इस जश्न की तस्वीर से इनकी खुशी जाहिर हो रही है, निर्देश भी इन्हें मिल सके हैं और अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर जीत की खुशी जाहिर करते हुए जश्न मनाते हुए, और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ साफ कर रही हैं, ये बता रही हैं कि हम जो ये दावे कर रहे थे उन दावों पर जनता ने हम पर यकीन किया है, हमें ये आशीर्वाद जरूर उनकी तरफ से मिल गया। हालांकि आशीर्वाद यात्रा पर बीजेपी निकली थी, लेकिन आशीर्वाद जनता का किस ओर गया है, क्या इन रुझानों और परिणामों को देख करके इशारा नहीं मिल रहा, फौरन लौटेंगे और बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे, साथ ही रिएक्शंस भी आपके सामने होंगे, बने रहिए।